नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का उस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक और नई इलेक्ट्रिक कार की। और ये इलेक्ट्रिक कार आई है उस कंपनी से जहां पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मैनर में वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर काम कर रही है। हम बात करें मर्सिडीज की। और संतोष बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू। EQE के लॉन्च के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। सबसे पहले वही समझना चाहेंगे कि ये लाने के पीछे क्या मकसद था और क्या आपकी सोच थी। सो यू नो, हम लोग इंडिया में वी आर द फर्स्ट लग्जरी OEM टू गेट EV itself इन इंडिया। दिस वाज वे बैक जनवरी 2020 में, यही फैक्ट्री में हमने इंट्रोड्यूस किया था EQC। एंड उस टाइम काफ़ी मीडिया के फ्रेंड्स बोल रहे थे आप EV क्यों ला रहे हो इंडिया में, इज इंडिया रेडी फॉर EV? आज 3 साल बाद, इन बिटवीन कोविड लॉकडाउन के बाद, टुडे नोबडी इज आस्किंग दैट क्वेश्चन बिकॉज एवरीबडी सेज अब इसका पेनिट्रेशन क्या होगा, आपका मार्केट शेयर क्या होगा, कितना जल्दी बढ़ेगा। सो आई थिंक वी हैव कम ए लॉन्ग वे। एंड लास्ट ईयर हमने EQS सेडान हमने लोकलाइज किया था इन दिस फैक्ट्री, अगेन दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ न्यूज़। एंड वी आर कन्विंस दैट EVs वी हैव टू कम फ्रॉम टॉप डाउन इन टर्म्स ऑफ द एक्सेप्टेंस। एंड देन वी इंट्रोड्यूस द EQB विच इज अगेन ए 7-seater कॉम्पैक्ट SUV एट अराउंड 80 lakhs। आज हम इंट्रोड्यूस किए EQE SUV विच इज़ अराउंड 1.39 crores एंड द आइडिया इज़ टू फिल इन दिस गैप ऑन द SUV सेगमेंट। यू नो, द कोर लग्जरी जहाँ हमारा GLE प्लेस करता है, इज़ ए वेरी बिग सेगमेंट फॉर SUVs। एंड देयर हमारा आइडिया ये था कि कैन वी ऑफर ए इलेक्ट्रिक वर्जन इवन देयर एज ए ऑप्शन फॉर द कस्टमर। टुडे इफ़ यू लुक एट द प्राइजिंग, इट्स क्वाइट कॉम्पिटेटिव कम्पेयर टू ए कम्बशन इंजन। द कार वी अगेन डिसाइडेड कि इसको हम पूरी तरीके से लोड करेंगे। सो इट हैज़ द हाइपर स्क्रीन, इट हैज़ द एयरमेटिक सस्पेंशन, टू वेंटिलेटेड सीट्स, टू बर्मेस्टर सराउंड सिस्टम, डिजिटल लाइट्स, यू नेम इट, अडैस टू। सो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फीचर्स एंड इक्विपमेंट, ए फुली लोडेड EV एट ए वेरी नाइस प्राइस पॉइंट ऑफ 1.39 crores। आई थिंक दैट्स ए गुड पैकेज एंड वी वॉन्ट टू कंटिन्यू टू पुश दिस सेगमेंट सो दैट EV अपने आप से नहीं होगा। यू नो, हमें, हम और हमारे साथ बाकी OEM को भी काम करना पड़ेगा टू एजुकेट द कस्टमर, टू एक्सप्लेन टू हिम द एडवांटेजेस ऑफ एन EV एंड देन स्लोली बट श्योरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा उम्मीद है कि दिस मार्केट विल ग्रो मच मोर। एंड एक ही वेरिएंट लाने के पीछे आई एम श्योर यू मस्ट बी यू नो हैविंग प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स। आपका जो पूरा कस्टमर बेस है उनको, आपको ये यकीन है कि उनको केवल लोडेड ही वर्जन चाहिए इस वजह से, तो क्या फीडबैक? सी, मर्सिडीज बेंज कस्टमर में यही एक फ़र्क है, मेजर फ़र्क इन द सेगमेंट, कि दे डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़। अगर गाड़ी में वो फीचर है, दे वॉन्ट दैट इन देयर कार्स, दे वॉन्ट एज मच स्पेसिफिकेशन एज पॉसिबल। इन सम ऑफ द कार्स जब हम CKD करते हैं वो पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज देन वी आर एलिनेटिंग ए सेट ऑफ कस्टमर्स एंड वी नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस समटाइम्स। देयर अगेन वी लोड, वी डोंट हैव एनी वेरियंट्स इन आर कार लाइन अप, पेट्रोल एंड डीजल, बट नो अदर लोअर एंड वेरियंट्स। Here CBU, we have the option, we have the flexibility because we can give as many features, it's not as certification relevant. So we said, let's give the best to our customers and I'm sure they will love it. When we talk about features, बहुत सारे जो I would say non-luxury brands also, they've also you know putting or offering so many features जो कि पहले कुछ साल पहले तक हम केवल हाई एंड लग्जरी गाड़ियों में देखते थे। How do you see that playing in customer's mind? You know, एक होता है features। अब मैं HEPA filter की बात करूँ, बहुत लोग बोलते हैं हमारे गाड़ी में भी HEPA filter है, but whether it gives 99.6% purity and it removes certain gases, only this car can do, maybe others cannot do. So, head-up display है, the kind of head-up display, color and the kind of optics that you see in this car compared to a mass market car, there will be a huge difference. So, just by saying I have A or B, you don't tick the box that the feature is there. It's the quality of that feature, be it a rear parking camera to everything else, what resolution, what do you see there. Having said that, मेरा ये मानना है कि लग्जरी वहाँ चालू होता है जहाँ नेसेसिटी ख़त्म होता है, राइट? सो आज आप एक गाड़ी ले नहीं रहे हो जस्ट टू गो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यू नीड टू फील इट। एंड अगर आप गाड़ी के अंदर बैठो, अगर ये इसका वुडन ओपन पोर ट्रिम देखो, उसमें छोटी छोटी स्टार्स है मर्सिडीज बेंज की, दीज आर द स्मॉल थिंग्स व्हेन यू टॉक अबाउट लग्जरी दैट्स देयर इन द कार। एंड आई टेल माई टीम एंड आई थिंक वी ऑल फील, this is not an EV from Mercedes Benz, this is the Mercedes of EV. So there's a difference actually because ek Mercedes EV is very different from any other EV because of a lot of small things that only you will realize when you sit into the car, when you see the dashboard, when you see the console, you will see all those little elements, the ambient lighting. So beyond rationality is where luxury starts and this is where our product offering is there. And जो आपके पोर्टफोलियो में हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, व्हाट्स द सीन विद बुकिंग्स एंड वेट लिस्ट, क्या है?
इट्स अ गुड क्वेश्चन. यू नो ईवी इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम कंबशन इंजन. कंबशन इंजन में जीएलसी हमने लॉन्च करने से 15 दिन पहले हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन किया, 1500 गाड़ी की बुकिंग हो गई. इसमें हमने किया ही नहीं वो रूट. आज पहली बार हम आपको मीडिया को बता रहे हैं गाड़ी इसकी ड्राइव स्केड्यूल्ड है नेक्स्ट वीक बाय द प्रेस. वी आर सेंडिंग डेमोज टू डीलर्स बिकॉज वी वॉन्ट कस्टमर्स टू एक्सपीरियंस सी टच फील द कार एंड देन बुक द कार बिकॉज देन ईवी अगेन इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंडिंग इट गेटिंग कन्विंस्ड. And for getting convinced, we have also given काफ़ी सारे additional benefits. For example, पहली बार हम इस गाड़ी में 10 साल की बैटरी वारंटी दे रहे हैं. कस्टमर का मानना ये होता है ईवी में कि बैटरी की लाइफ ख़त्म होते जाते हैं लगे मोबाइल फ़ोन और मैं ईवी क्यों खरीदूँ. हमारा ये कहना है कि अगर हम 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी, उसके बाद और गाड़ी चलेगा अनदर 5 to 10 ईयर्स. सो दिस इज़ एज गुड और इवन बेटर देन एनी कंबशन इंजन, पॉइंट नंबर वन. सेकेंड, कस्टमर को रहता है कि 4-5 साल में तो मैं बेचूंगा, नई गाड़ी लूंगा, तो इसकी कीमत क्या होगी. सो आज हम इस गाड़ी की रेसिडुअल वैल्यू गारंटी दे रहे हैं कंपेयर टू ए जीएलई. अगर जीएलई में जो आपको 4 साल के बाद पैसा मिलेगा ऑन योर कार, वी आर रेडी टू गिव द सेम गारंटी ऑन एन ईवी, ऑन एन ईक्यूवी. सो इट इज़ बियॉन्ड कार एंड ऑल दिस नीड्स एक्सप्लेनेशन. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस बुकिंग्स ओपनिंग द बुकिंग्स. वी वॉन्ट कस्टमर्स टू रियली अंडरस्टैंड, अडॉप्ट द ईवी एंड देन ऑफकोर्स स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गेट ऑल द बुकिंग्स फॉर दिस कार. हाल में हमने जिस तरीके से डिस्कशन सुना है, इस बार अगेन रिकॉर्ड तोड़ शायद बिक्री होगी. हाउ डू यू सी दैट मार्केट, आई मीन इंडियन कार मार्केट एंड लग्जरी मार्केट. हमारा तो इवन लास्ट ईयर रिकॉर्ड तोड़ की बिक्री हुई थी. इट वाज द बेस्ट एवर ईयर फॉर मर्सिडीज बेंज इंडिया. इवन फेस्टिव सेल्स वाज वेरी हाई. अब ये साल उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, सो दैट इज़ द बिगर चैलेंज आई वुड से. बट आई थिंक मार्केट में मोमेंटम है, पीपल आर लविंग द कार, लविंग द ब्रांड्स. वी हैव वी हैव ए ह्यूज पोर्टफोलियो टू ऑफर टू द कस्टमर. सेडान की मैं बात करूँ तो यू नो सी क्लास, ई क्लास में हमने एक फाइनेंस ऑफर भी इंट्रोड्यूस किया है जिसमें गाड़ियों की कीमत बढ़ गई थी तो लोगों को थोड़ा शंका आ गया था टू बाई दीज कार्स. बट देन विथ आर फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें EMI हमने स्टिल सेम रखा है बिफोर द प्राइस इंक्रीज. सो such products gives more confidence and हम demand हमारे हिसाब से continue रहना चाहिए and we should be able to do another very good festive season. And lastly, what's the scene with waitlist? आपके जो बाकी सभी गाड़ियों में अगर हम बात करें. वाह, आज हमारे पास 3,500 गाड़ियों की बुकिंग है. कोई गाड़ी एक महीने में भी मिल जाती है. इनफैक्ट सम ऑफ द कार्स हमारी प्रोडक्शन कलीग्स हैव रियली डन ए ग्रेट जॉब. इट्स अवेलेबल फॉर द फेस्टिव पीरियड. अगर मैं ए क्लास की बात करूँ या ई क्लास, सी क्लास, सम ऑफ दीज कार्स आर अवेलेबल. ऑन द अदर साइड GLC 1,500 बुकिंग, उसके बाद हमने डिलीवर भी की 500-600 गाड़ियाँ, और भी बुकिंग आ रही है. प्लस आई हैव ए GLA और ए GLS, दे आर सोल्ड आउट फॉर क्वाइट सम टाइम. Maybach इज सोल्ड आउट फॉर 9 months. सो इट्स अ मिक्स डिफरेंस, बट इन जनरल वी आर ट्राइंग द बेस्ट टू गिव ट्रांसपेरेंसी टू कस्टमर एंड सर्व द मार्केट. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू.